हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा की अपकमिंग एसयूवी हॉर्नबिल के बारे में। दोस्तों, इस कार की बात करें तो इसका कोड नेम है H2x और ये कॉन्सेप्ट कार है। बहुत जल्द ऑटो एक्सपो में कंपनी है इस कार को रिवील कर सकती है। तो टाटा की ये कार है वो बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है। दोस्तों, इस कार की बात करें तो ये कार है वो आपको टाटा के अल्फा प्लेटफॉर्म पर बेस रहेगी, जिस प्लेटफॉर्म पर टाटा अल्टोरोस बेस है। दोस्तों, इस कार की बात करें तो ये आते ही मार्केट में कंप्लीट करने वाली है महिंद्रा की यूवी, मारुति की वैगनार जैसी कारों को। तो आज के वीडियो में हम इसी कार के बारे में बात करेंगे। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस कार की क्या प्राइस रहने वाली है, इनमें कौन से फीचर्स मिलेंगे, इसमें कौन सा इंजन मिलने वाली, क्या इसकी माइलेज रहेगी। तो इन सारी बातों को जानने के लिए इस वीडियो में बने रहे। और जो आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके एक्सटीरियर में, इसके डायमेंशन के बारे में। इसकी लेंथ है 3840 mm, इसकी विड्थ है 1822 mm, इसकी हाइट है 1635 mm और इसका व्हील बेस है 2450 mm। दोस्तों, ओवरऑल देखें तो ये कार आपको काफ़ी लंबी और चौड़ी मिलने वाली है। अब अगर बात करें इसके एक्सटीरियर लुक की, तो इसके एक्सटीरियर में आपको बीच में टाटा का लोगो मिलने वाला है। इसके अलावा इसमें आपको न्यू वाले प्रोजेक्टर हेडलैम्प विद DRL मिलने वाली है। नीचे आपको फॉग लैम्प मिलने वाले हैं। इसके अलावा इसमें आपको सरफेस एंटीना, डिफॉगर ग्लास एंड वॉशर वाइपर, LED में टेल लैम्प, ऊपर आपको रूफ रेल जैसे शानदार फीचर्स इसके एक्सटीरियर में भी मिलने वाले। इसके अलावा दोस्तों, इस कार में आपको R50 inch एंड R60 inch के न्यू वाले एलो व्हील भी मिलने वाले हैं। अब अगर बात करते हैं दोस्तों इस कार के इंजन के बारे में, तो ये कार में आपको टाटा टियागो वाला 1.2 लीटर BS6 कंप्लाइंट पेट्रोल इंजन मिलने वाला है, जो करीब 84 BHP का पावर जनरेट करेगा और 140 Nm का टॉर्क। दोस्तों, इस कार की बात करें तो इसमें आपको 21 से 23 तक का माइलेज मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों, इस इंजन के साथ आपको मैनुअल ट्रांसमिशन और ऑटो ट्रांसमिशन का भी ऑप्शन मिलने वाला है। अब अगर अंदर चलते हैं और बात करते हैं इसके इंटीरियर के बारे में, तो इसके इंटीरियर में आपको 7 inch का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलने वाला है, जिसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, नेविगेशन, FM, USB एंड ऑक्सिलरी जैसे शानदार फीचर्स इसमें आपको मिलने वाले हैं। इसके अलावा इसमें आपको पुश स्टार्ट ऑफ बटन, ऑटो क्लाइमेट AC, सीट हाई एडजस्टेबल, टिल स्टेयरिंग, ऑल स्टेयरिंग कंट्रोल, रियर AC वेंट, रियर सीट बैक पॉकेट, कप होल्डर जैसे शानदार फीचर्स इसके इंटीरियर में भी आपको मिलने वाले हैं। अब अगर थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेफ्टी के मामले में, तो ये कार सेफ्टी के मामले में भी पीछे नहीं रहने वाली है। इस कार में सेफ्टी के सारे फीचर्स मिलेंगे। इस कार में आपको ड्यूअल एयरबैग, ABS विथ EBD, ब्रेक असिस्ट, सीट बेल्ट रिमाइंडर ड्राइवर एंड को ड्राइवर, हाई स्पीड अलर्ट, सीट बेल्ट प्री टेंशनर एंड फोर्स लिमिटर, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट, हिल हुल कंट्रोल, ऑटो डोर अनलॉक, फ्रंट डिस्क ब्रेक एंड इसके जैसे रिवर्स पार्किंग सेंसर जैसे सारे सेफ्टी के फीचर्स इस कार में भी आपको मिलने वाले हैं। अब अगर थोड़ा आगे बढ़ते और बात करते हैं इस कार के प्राइस रेंज की, तो 4.5 लाख से शुरू होकर 6.5 लाख तक इस कार की प्राइस रेंज जाने वाली है। और 2020 के ऑटो एक्सपो में इस कार को रिवील किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। जो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।